मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 2,66,137 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि 25 वर्ष पहले पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी और 1995 में दवाई पीकर फिलहाल डॉक्टर बन चुके अंकुश बड़ोल ने अभियान की शुरुआत में सहभागी बने और आमजन को पोलियो की दवा पिलाने का संदेश भी दिया। इस मौके पर समस्त प्रशासनिक महकमा रविवार को जिला अस्पताल पहुंचा और दवा पिलाकर सिल्वर जुबली आयोजन में सहभागी बने। इस दौरान डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि दूसरे देशों में फैलती बीमारियों को मात देने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है और जिले में डॉक्टर अंकुश बड़ोल अभियान की सार्थकता का जीता एक उदाहरण है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कि हम 25 साल हम पूरे कर चुके हैं और 1995 से स्टार्ट हुआ था ये, और आज हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं और पल्स पोलियो का आज भी ये स्टार्ट हुआ है। चूंकि ये अभियान इसलिए चालू करना पड़ रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नाइजीरिया, यहाँ पर अभी भी केस पाए जा रहे हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस हो रहा है और आज से इसका शुभारंभ हुआ है। 3 दिन तक हम ये प्रोग्राम करेंगे। आज हम बूथ पे दवाई पिलाएंगे और कल और परसों घर घर जाके हमारे कर्मचारी सारे पिलाएंगे और टोटल हमारे 2,66,137 जो बच्चे हैं हमारे पूरे ज़िले के, उन लोगों को हम दवाई पिलाएंगे। और हमारी टीम जो बनी है, टोटल टीम हमारी 2,092 लोगों की बनी है जो इसको सुपरवाइज करेगी, और हमारे सारे कर्मचारी जो हाउस टू हाउस जाएंगे वो 1,812 लोग हैं जो करेंगे। और इसी के साथ हमारे जो वैक्सीनेटर हमने लगाएंगे, मतलब जो दवाई पिलाएंगे, वो 9,148 लोग हैं। सर, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस पर कुछ गहन जांच की जाएगी और देखा जाएगा, उसको मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जैसे भीकन गांव है, हमारा झिरनिया है, भगवानपुरा है, वहाँ पर हमने सी टीम बनाई। सी टीम का मतलब ये होता है कि हम आज से ही बूथ वहाँ फालियाँ हैं तो हम लोग आज से ही हमने ये योजना बनाई कि घर घर जाकर हम दवाई पिलाएंगे, क्योंकि एक बूथ पर उन फालियों में से आकर के एक बूथ पर इकट्ठा होना उनके लिए बहुत परेशानी वाला होता है। तो इसने हमने वहाँ व्हीकल भी दिए हैं, मोबाइल फैसिलिटीज़ भी दिए हैं, तो हम आज से ही सी टीम के द्वारा हम घर घर पर भी करवाएंगे और जो बूथ हमारे संचालित रहेंगे उस बूथ पर भी हम उनको दवाई पिलाएंगे। बहुत बड़े बड़े बहुत दूर दूर फालियाँ देते हैं, उसमें स्वास्थ्य कर्मचारी को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिला इलाके हमारे ऐसे हैं झिन्निया में कि जहाँ तो 4-व्हीलर जाती नहीं है, तो 2-व्हीलर से और साइकिल से हमारे कर्मचारी जाते हैं और हमने पूरी कार्य योजना पहले से ही बना के रखी है और हमारी कार्य योजना के अनुसार हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। ये बिल्कुल, और क्योंकि रूटीन टीकाकरण में जो नियमित टीकाकरण होता है उसमें भी हम इसी उसका सामना करते हैं इन परेशानियों का। तो अभी भी हमने पूरी टीम और मोबाइल टीम और सी टीम बना करके उस सुदूर इलाके तक जो आउट टू रीच है, जो हम बोलते हैं बहुत ही हार्ड टू रीच है, उस इलाके में हम लोग अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए हमने कार्य योजना पूरी तैयार कर ली है और सभी लोग जगह हमने वैक्सीन पहुँचा दी है। क्या सुना? मैं डॉक्टर संजय भट्ट, जिला टीकाकरण अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।